ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्यनाश ही मृत्यु है। यह सार गर्भित महत्वपूर्ण सिद्धांत बहुत ही सत्य है। देश में ब्रह्मचर्य का कितना पतन हुआ है यह हम और आप सभी जानते हैं। विद्यार्थियों के साथ 24 घंटे रहने के कारण हमें अच्छी तरह पता है कि वीर्यनाश के कैसे कैसे विचित्र और कैसे कैसे उपाय निकाले गए हैं, जिनके स्मरण मात्र शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 20-25 वर्ष के नवयुवक के इस अवस्था में ही बूढ़े दिखाई पड़ते हैं। इसमें नौजवानों का भी दोष नहीं, दोष है शिक्षकों और विशेषकर आप लोगों का, जो उनके माता पिता होने का दम भरते हैं। अधिकतर शिक्षक पाठशालाओं में केवल इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी आदि विषय पढ़ाना और उन्हें रटवाना घुटवाना ही अपना मुख्य ध्येय समझते हैं। ब्रह्मचर्य विषय पर कोई किसी भी प्रकार की चर्चा करना नापसंद करते हैं। लड़के गाली बकते हैं, व्यभिचार करते हैं और आप ऐसी गंभीर और ध्यान देने योग्य बातों को यूं ही टाल देते हैं। दोस्तों, एक कथा है, भगवान कैलाशपति कहते हैं, ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण यही सबसे बड़ा तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या जो होती है वो तीनों लोकों में दूसरी कोई भी नहीं हो सकती। उर्ध्वरेता पुरुष अर्थात जो अखंड ब्रह्मचारी, जो वीर्य का धारण करने वाला पुरुष है, वो सभी लोकों में मनुष्य रूप में होते हुए भी देवता के समान है। परंतु आज हम इस मानवता को भूलकर नीचता की धूली में समा चुके हैं। वासनाओं काम वासनाओं में विचरण करते रहते हैं। कहाँ हमारे वीर्यवान सामर्थ्य संपन्न पूर्वज और कहाँ हम, कितना यह आकाश पाताल का अंतर हो गया है। हमारा कितना भयंकर पतन हुआ है किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। हमारा यह जो भीषण पतन हुआ है, इसका मुख्य कारण एकमात्र हमारे ब्रह्मचर्य का ह्रास है, उसका नाश है, विनाश है। ब्रह्मचर्य के नाश से ही हमारा संपूर्ण सत्यानाश हुआ है। हमारा सुख, आरोग्य और तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य और धर्म संपूर्ण हमारे ब्रह्मचर्य के ऊपर ही सर्वथा निर्भर है। ब्रह्मचर्य ही हमारे आरोग्य मंदिर का एकमात्र आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ के टूटने से जैसे संपूर्ण भवन ढह जाता है, वैसे ही वीर्य नाश होने से संपूर्ण शरीर का भी नाश अति शीघ्र हो जाता है। जैसे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है, वैसे वैसे हमारे स्वास्थ्य का भी नाश होता जाता है। वीर्य अत्यंत अनमोल वस्तु है दोस्तों। इस वीर्य के बल पर मनुष्य देवता बनता है और उसके नाश से यह पूर्ण तरह से मनुष्य अपनी ही स्थिति से गिर जाता है। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए कोई भी पुरुष अगर श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना चाहता है तो वह कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। वीर्य भ्रष्ट कदापि पवित्रता, धर्मात्मा, महात्मा नहीं हो सकता। बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष इंद्र भी तुच्छ और पदलित हो सकता है, तब फिर सामान्य मनुष्य की बात ही क्या। अतः ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण विद्या, वैभव और सौभाग्य का आदि का कारण है।